बच्चों आज हम अभिव्यक्ति का पाठ पांच शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पाठ पांच का क्या नाम है? गुलीवर की यात्रा। यह क्या है? एक कहानी है और इसे अंग्रेज लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम इस कहानी के बारे में बात करेंगे कि आखिर इस कहानी में है क्या। आप में से बहुत सारे बच्चों ने यह कहानी पहले या तो सुनी है या देखी होगी। इस कहानी में गुलीवर नाम का एक व्यक्ति रहता है, एक लड़का रहता है। उसे यात्राएं करना बहुत अच्छा लगता है और वो जहाज पर काम करता है, इसलिए उसे जहाज की बहुत सारी यात्राएं करना पड़ती है। एक बार तूफान में उसका जहाज फंस जाता है और जहाज तो डूब जाता है, लेकिन ये किसी तरह बचकर किसी एक समुद्र के टापू पर पहुंच जाता है। और उस टापू में छोटे छोटे लोग रहते थे। वहां के टापू का नाम था लिलीपुट। लिलीपुट एक देश था। इस कहानी में जब वो लिलीपुट पहुंचता है तो उसकी हाइट हमारे बराबर होगी और बाकी लिलीपुट के लोगों की हाइट इतनी छोटी होगी, तो वहां के लोग इसे देखकर डर जाते हैं और इसे कोई दैत्य समझकर इसको बांध लेते हैं। जब इसकी नींद खुलती है तो ये देखता है कि मुझे तो किसी लोगों ने बांध कर रखा है, और वो छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन वहां के लोग ये समझते हैं कि ये उठकर हम पर आक्रमण करेगा, इसलिए वो सारे छोटे छोटे लोग उसके ऊपर तीर चलाने लगते हैं। गुलीवर ये सोचता है कि यदि मैंने यहाँ से उठने का प्रयास किया तो ये लोग मुझे तीर से मार सकते हैं, इसलिए वो चुपचाप लेटा रहा। फिर वो खाने का इशारा करता है। गाँव के लोग समझ जाते हैं, लिलीपुट के लोग समझ जाते हैं कि ये खाना चाहता है, तो उनको खाना उसको गुलीवर को वो लोग खाना खिलाते हैं। पानी का इशारा करता है तो पानी पिलाते हैं। उसके बाद उसे घसीटते हुए एक लकड़ी का एक जहाज जैसा बनाते हैं और उसके ऊपर उसको घसीटते हुए ले जाते हैं राजा के पास। राजा के पास ले जाने के बाद लोग ये कहते हैं कि ये बहुत सारा खाना खाता है, इसलिए आप इसे मार दीजिए, मारने का आदेश दे दीजिए। लेकिन राजा ये कहते हैं कि इसे मारना गलत होगा, मैं अपने राजकोष से इसको खिलाऊंगा। और राजा ने अपने राजकोष से उसको खाने का प्रबंध कर दिया। और तो और वहां के राजा ने उनकी भाषा को भी उसे सिखाना शुरू करवा दिया। उसे एक मंदिर में रखा गया है, क्योंकि उसकी हाइट तो बहुत बड़ी थी, तो वो क्या करता, उसे रखने के लिए कोई तो जगह चाहिए थी। तो वहां के जो लोग इतने इतने से थे, उनके मकान भी इतने इतने से रहे होंगे, तो वहां के राजा ने उसे एक मंदिर में रखा और उसके आंगन में उसे बांध कर रखा हुआ था। वहां के राजा को जब ये पता चलता है कि पड़ोसी राज्य हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है, तो गुलीवर वहां जाकर कहता है राजा से कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और वो गुलीवर वहां जाता है जहां पर दुश्मन देश खड़ा हुआ होता है, उनके सारे जहाज रस्सी में बांध कर खींच कर ले आता है, और इस तरह से गुलीवर लिलीपुट के राजा की मदद करता है। अब जब राजा की मदद गुलीवर ने की, तो वहां के राजा से वो अनुमति मांगता है कि आप मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं अपने गांव, अपने घर वापस चला जाऊं। उसे राजा अनुमति दे देते हैं और वो वापस आ जाता है। ये तो हुई कहानी की बात। अब इस कहानी को आप एक वीडियो के माध्यम से देखिए, उसके बाद इस कहानी से आपने क्या सीखा उस पर बात करते हैं। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। मेरा नाम गुलीवर है। मैं एक जहाज पर नौकरी करता था। नौकरी करने के क्रम में मुझे कई लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थीं। एक बार मैं दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जा रहा था कि अचानक हमारा जहाज तूफान में फंस गया और चकनाचूर हो गया। कृपा से मैं तैरकर किनारे पर आ गया और अत्यधिक थकान के कारण वहीं जमीन पर लेट गया। मुझे गहरी नींद आ गई। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा हुआ पाया। मैं कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। ये एक मानव आकृति थी जिसकी ऊंचाई लगभग 8 इंच थी। कुछ देर बाद मैंने पाया कि मेरे शरीर पर उसी तरह के लगभग सैकड़ों आदमी चढ़ाए। इन लोगों ने मुझे पतले बांध दिया। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना सुनकर वो लोग हड़बड़ा गए और चीखते चिल्लाते हुए भागे। मैंने उठने की कोशिश की तो कुछ धागे टूट गए। ये देखकर कुछ लोगों ने मुझ पर तीर चलाना आरंभ कर दिया। वो तीर सुई की तरह पतले पतले थे। मैंने सोचा चुपचाप लेटे रहना ही अच्छा है। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर चलाना बंद कर दिया।
उनमें से एक कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ से इशारा किया कि मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है। फिर मैंने मुंह की ओर इशारा करके बताया कि मैं भूखा हूं। वो लोग मेरा इशारा समझ गए। बस फिर क्या था, उन लोगों ने मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी और सैकड़ों लोग टोकरियों में सामान ला लाकर मेरे मुंह में डालने लगे। मैंने पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे पानी मेरे मुंह में उड़ेल दिया। वो लोग बहुत आश्चर्य से मुझे देख रहे थे और सोच रहे थे कि इसका पेट है या कुआं। थोड़ी देर में मेरी पलकें भारी होने लगी और मैं सो गया। खड़खड़ की आवाज सुनकर मेरी नींद खुली तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जाया जा रहा था। उन छोटे छोटे लोगों की विशालकाय भीड़ हथियार लेकर मेरे साथ साथ चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे बंदी बना लिया गया है। अब मुझे पता चला कि ये लिलीपुट द्वीप है। वहां के निवासियों की विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। मेरे पहाड़ जैसे भारी भरकम शरीर को देखकर लोग आश्चर्यचकित थे। लिलीपुट के सभी मकान तो बिल्कुल खिलौने जैसे थे। वहां के राजा ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। इस जगह मैं झुककर अंदर जा सकता था। जिस तरह वो लोग मेरे विशाल काय शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उसी तरह मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया देखकर हैरान था। एक दिन की बात है, कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी आंख पर लगा। ये देखकर सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपनी कोट की जेब में रख लिया। 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह में ले जाने लगा। वो आदमी डर के मारे बुरी तरह चीखने लगा तो मैंने उसे जमीन पर छोड़ दिया। मुझसे छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागा। इस बात का लोगों पर अच्छा असर पड़ा। राजा ने जब ये सुना तो उसने मेरी बहुत प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे खाने पीने के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इस तरह तो देश में अकाल पड़ जाएगा। वो विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से राजा उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे खाने पीने का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। मैंने जल्द ही वहां की भाषा सीख ली। वो लोग मेरे व्यवहार और स्वभाव से बहुत खुश थे। अब वो निडर होकर मेरे पास आते, कभी वो सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख मिचौली खेलते। इस तरह मैं उन सबके लिए खिलौना बन गया था। एक दिन मैंने राजा से प्रार्थना की कि वो मुझे छोड़ दे। राजा ने मेरी प्रार्थना इस शर्त पर स्वीकार की कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश के साथ युद्ध छिड़ जाने पर लिलीपुट वासियों की मदद करूं। कुछ दिनों बाद मुझे खबर मिली कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा बना लिया है और वो लिलीपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की योजना बनाई। मैं कुछ रस्सियां और कांटे लेकर ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी उन लोगों के लिए एक महासागर के समान थी, लेकिन मेरे लिए कोई विशेष गहरी न थी। खाड़ी में घुसकर मैंने वहां खड़े सभी जहाजों को कांटे में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलीपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिकों ने मेरे ऊपर तीरों की बौछार कर दी, लेकिन उनका मेरे ऊपर कोई, क्योंकि मैंने चमड़े की कोट पहन रखी थी और चश्मा लगा रखा था। ब्लेफुस्कू के जहाजों को लेकर जब मैं लिलीपुट की खाड़ी में पहुंचा तो वहां के राजा और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। राजा ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं खाड़ी के किनारे किनारे घूम रहा था कि मैंने पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता हुआ देखा। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव मेरी आशाओं की ज्योति थी। कुछ दिनों बाद मैंने राजा से अपने देश लौटने की आज्ञा मांगी। उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर रखवा दी। सौभाग्य से मार्ग में मुझे मेरे देश का जहाज मिल गया और मैं अपने देश वापस लौट आया। आज भी मैं अपनी उस विचित्र यात्रा को
नहीं भूल पाता हूं। बच्चों, इस कहानी से आखिर आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें विपरीत परिस्थिति होने पर भी धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर गुलीवर जिस समय उसे बांध दिया था, उस समय अगर वो उठने का प्रयास करता तो हो सकता था कि उसकी आंख में या किसी शरीर के भाग में उसे तीर लग जाता और वो वहां पर मर भी सकता था, लेकिन उसने समझदारी का परिचय दिया और वहां से उठा नहीं। और उसके थोड़ी देर बाद जब उसको समझ में आया कि हम एक दूसरे की भाषा को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो उसने इशारे में बात करना शुरू कर दी। और इस तरह से उसने अपना धैर्य का परिचय देते हुए अपना काम कर लिया। और उसके बाद उसे लगा कि राजा ने मुझे खिलाया पिलाया तो उसका मुझे ऋण भी चुकाना पड़ेगा। तो इस कहानी से हमने ये भी सीखा कि जब कोई हमारी मदद करता है तो हमें भी उसकी मदद करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। लिलीपुट के राजा ने उसे खाना दिया, गुलीवर को खाना दिया, वहाँ की भाषा सिखाई, रहने के लिए जगह दी। तो गुलीवर ने भी क्या किया, दूसरे देश के आक्रमण से लिलीपुट के राजा को बचा लिया। इस कहानी से हमने ये सीखा कि जब भी सामने वाले को हम मदद करते हैं या सामने वाले से मदद लेते हैं तो उसको हमें वापस मदद के रूप में मदद करना ही चाहिए। इस कहानी से आपने अच्छी सीख ली होगी। चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। हैव अ नाइस डे।